हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं आज बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम है, तो फ्रेंड मैं काम खत्म करूंगी, उसके बाद हम चलेंगे सरोजिनी नगर मार्केट, जो दिल्ली में बहुत ही फेमस है। फ्रेंड आपको यहाँ पर गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, आपको सारी वेरायटी मिल जाएगी। तो मैं भी काफी दिनों से मार्केट नहीं गई थी, तो आज हम मार्केट देखते हैं। अगर मुझे कुछ अपने लिए पसंद आया तो मैं ले लूंगी, नहीं तो आपको पूरा मार्केट तो मैं घुमाऊंगी। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने। अब मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ, अब मैं थोड़ी दूर आगे और चलूंगी, तो फिर उसके बाद मुझे वहां से बस लेना होगा, बस पकड़, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में फ्रेंड बस में लेडीज का तो कोई भी किराया नहीं लगता है और लेडीज़ का टिकट फ्री है, तो मैं बस से ही ट्रैवल करना ही बेहतर समझती हूँ। सामने देख रहे हैं बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पहुँचने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है बस के लिए, लोग यहाँ बस नंबर से चलती है और ऐसा नहीं है कि सभी को जैसे दौड़कर पकड़ना पड़ता है बस, तो ऐसी मैं भी लूँगी बस, तो मैं भी अपने बस का वेट करती हूँ, देखती हूँ कितने देर में बस आती है। फ्रेंड आप देख सकते हैं लोग कितनी वेट करते हैं बस का, हम मास्क निकाल भी नहीं सकते, हमें इतनी गर्मी लगती है उसके बाद, क्योंकि यहाँ का रूल है अगर हमने मास्क निकाला तो चालान है 2000 रुपये का, तो भाई कौन चालान दे 2000 रुपये का, तो गर्मी ही सही। तो मैं गर्मी में बस का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कितनी देर में बस आती है, लेट्स सी। मुझे नहीं लगता कि मुझे आधे घंटे से पहले बस मिलने वाली है। तो मेरा काम था वो मैं ख़त्म हो चुका है मेरा काम, अब मैं सरोजिनी मार्केट के लिए जा रही हूँ। रास्ते में हूँ, ऑटो में हूँ, यहाँ से बस नहीं मिलती है इसलिए मुझे ऑटो लेना पड़ा, क्योंकि ये आउटर एरिया पड़ता है जहाँ मैं जिस काम से आई थी, जिस जगह पे आई थी वो आउटर एरिया पड़ता है, तो यहाँ से सिर्फ सरोजिनी मार्केट जाने के लिए ऑटो ही ले सकती हूँ मैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ सरोजिनी मार्केट में। तो मैं सरोजिनी नगर मार्केट पहुँच चुकी हूँ, अब मैं एंटर होंगी अंदर मार्केट के लिए, तो चलिए मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ मार्केट के अंदर का। यहाँ मास्क उतारना अलाउड नहीं है, अगर आप मास्क उतारते हैं तो आपको 2000 का चालान देना पड़ेगा। इसलिए तो फ्रेंड्स आप चिप भी आए, आप मास्क गलती से भी ना उतारें, वरना नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे, हमेशा ही ऐसी भीड़ होती है। अपनी दुकान के अंदर उतने ही ग्राहक अलाउ करेंगे जिससे कि दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं तो मार्केट के अंदर ना आए, अपने हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें या अपने हाथों को। फ्रेंड्स किड्स की कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बच्चों के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही कम रेंज में आपको सारी सारी कलेक्शन आपको मिल जाएंगे।
क्या बताया भैया? 250 बताया इसका, इसका 250 बताया। कम नहीं करोगे? ऐसा थोड़ी ना होता भैया कि आप फिक्स रेट 200 लगा लो, 200 नहीं होगा। 50 में दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, मुझे बैग लेना था, मेरा पुराना बैग खराब हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो मैं मार्केट आती हूँ, आपको दिखा रही हूँ, तो इसी बहाने मैं भी अपनी शॉपिंग कर लूँ। तो मुझे सडनली एक बैग की शॉप दिखी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 200 की रेंज में है, तो मैं अपने लिए कोई बैग चूज़ करती हूँ। देखती हूँ, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी है बैग की, तो कुछ अच्छा सा देखूँगी। 200 की रेंज वाले हैं, आप इसमें से मुझे ये वाला दिखाओ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कलेक्शन कितना अच्छा है, बैग भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो मेरे को शायद यही बैग पसंद आ रहा है, तो क्या मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ। सो फ्रेंड, मेरी शॉपिंग हो गई है, मैंने शॉपिंग कर ली है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ आज अच्छी बात नहीं हुई है मेरे साथ, तो क्या बताऊँ मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ। फ्रेंड, आप अगर कभी मार्केट जाते हैं तो जिस शॉप में अगर आप जाएंगे वहाँ अगर आपको अच्छा बिहेवियर आपके साथ ना हो तो क्या आप उस शॉप से सामान खरीदना चाहेंगे? नहीं ना। बट मेरी मजबूरी थी, मेरी नीड थी, इसलिए मुझे लेना पड़ा। मैं जिस शॉप में गई ना, वहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न आंटी थी, मैंने उनसे सामान लिया। अब ऑब्वियसली कस्टमर तो बार्गेनिंग करेगा ही। मैं उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही थी, बट वो इतनी क्या बोलूँ, उनको तमीज़ नहीं थी बात करने की, उनको सेंस नहीं था कि कस्टमर से कैसा बिहेव किया जाए, तो कस्टमर से कैसा बिहेव किया जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फ्रेंड्स, अगर जिस शॉप में आपके साथ अच्छा बिहेव ना हो वहाँ से आप सामान ना खरीदें। मैं तो उनसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। अब मैं अगर कभी भी सरोजनी मार्केट आती हूँ तो मैं उनकी शॉप में कभी भी नहीं जाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आप घर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरा आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।